वालेकुम जी। अब यहां से फॉरवर्ड करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स का चैप्टर। एवलांच के बारे में बात करते हैं। एवलांच है क्या? अच्छा, जिसको जो नॉर्दर्न एरियाज वगैरह जो इस तरफ गया हो तो उससे एक लैंडस्लाइडिंग का अल्फाज उन्होंने सुना होगा। लैंडस्लाइडिंग, या लैंडस्लाइडिंग, ठीक है। जिस तरह लैंडस्लाइडिंग होती है, इसी तरह हमारे पास एक स्नो स्लाइड होता है। लैंडस्लाइडिंग में क्या होता है, पत्थर वगैरह नीचे आते हैं ना, रॉकी मटेरियल्स नीचे आते हैं। यहां पे क्या होता है, स्नो स्लाइडिंग में स्नो नीचे आती है, और स्नो स्लाइडिंग को ही हम लोग एवलांच कहते हैं। एनी अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइडिंग डाउन अ माउंटेन साइड इज नोन एज एवलांच, और सेकेंडली इट इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड स्नो स्लाइड। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड भी होगी और उतनी ही ज्यादा उसकी पावर भी होगी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एवलांच। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एवलांच, लूज स्नो एवलांच, स्लैब एवलांच, पाउडर स्नो एवलांच और वेट स्नो एवलांच। इसको एक एक करके देखते हैं। लूज स्नो एवलांच के बारे में बात करते हैं। लूज स्नो, अगर लूज स्नो एवलांच के बारे में अगर आपने लिखना है तो अच्छा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास बहुत स्टीप तरह के माउंटेन्स होते हैं, स्टीप तरह के माउंटेन्स होते हैं, और जब कोई फ्रेश स्नोफॉल पड़ती है हमारे पास, यहाँ पे बहुत फ्रेश स्नोफॉल हमारे पास आती है, तो इस स्टीप एंगल की वजह से क्या है, स्नो यहाँ पे रुकती नहीं है, स्नो यहाँ पे स्टे नहीं करती, यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं होती, जिसकी वजह से स्नो माउंटेन से पड़ते ही स्लाइड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्लाइड डाउन होना स्टार्ट होती है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास डेफिनेशन में क्या था, एनी अमाउंट ऑफ स्नो स्लाइडिंग फ्रॉम द माउंटेन साइड ना इज नोन एज एवलांच। तो लूज स्नो एवलांच के बारे में अगर कोई चीज लिखना चाहे तो उसमें लिखिएगा सीन आफ्टर फ्रेश स्नोफॉल। ठीक है, फ्रेश स्नोफॉल के बारे में ये पहला इसका पॉइंट है। सेकेंडली आप इसमें लिखिए कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स, स्टीप स्लोप्स पे कॉमन होता है। और थर्ड आपके पास है स्नो डज नॉट हैव टाइम टू सेटल डाउन, जिसकी वजह से वो स्लाइड डाउन करता है। तो इसके बारे में आपने एक जो मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, ये पूरा भी एक सेंटेंस है आपके पास, तो डेट विल बी मोर देन इनफ लूज स्नो एवलांच। सेकेंड हम लोग देखते हैं, बात क्या करते हैं, डेट इज स्लैब एवलांच। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये स्लैब एवलांच क्या है ये देखते हैं। स्लैब एवलांच सेकेंड टाइप है हमारे पास। स्लैब एवलांच को समझने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे माउंटेन साइड होते हैं ना कि जिसके ऊपर पहले से ग्लेशियर जमे होते हैं, और ग्लेशियर्स आपके पास, ठीक है, किसी भी, ये स्लैब पूरा एक आपके पास स्लैब की शक्ल में होता है। कोई अर्थक्वेक आता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, तो क्या है, ये स्लैब नीचे आना स्टार्ट हो जाए। स्लैब्स होते हैं जैसे मार्बल के स्लैब नहीं होते, स्लैब्स होते हैं हमारे पास, तो ये क्या है, स्लैब नीचे आना शुरू हो जाए। स्लैब्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ थिक स्लैब्स होते हैं, कुछ थिन स्लैब्स होते हैं। तो दोनों थिक और थिन स्लैब्स नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली थिक ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक होता है, ये ज्यादा डैमेज देते हैं, और ये थोड़े कम कैटेस्ट्रॉफिक होता है। क्या है, स्लैब्स जब नीचे आते हैं तो हमारे पास माउंटेन साइड से स्नो नीचे आ रहा है, आइस नीचे आ रही, तो हमारे पास अगेन एवलांच की डेफिनेशन पूरी हो रही है। तो इसके बारे में आपने लिखना क्या है, फॉल ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस डाउन द स्लोप। ठीक है, और इसमें आपने फर्दर लिखना है कुछ थिक स्लैब भी होते हैं, कुछ थिन स्लैब भी होते हैं, और थिक स्लैब कम ज्यादा डैमेज देते हैं और थिन स्लैब कम डैमेज देते हैं। ओके, सेकंड भी आपके पास टाइप क्लियर है। थर्ड टाइप पे चलते हैं, पाउडर स्नो एवलांच। पाउडर स्नो एवलांच के बारे में बोलिएगा, थर्ड टाइप है पाउडर स्नो एवलांच। पाउडर स्नो एवलांच में हमारे पास माउंटेन साइड पे जब स्लैब भी नीचे आ रहे हो और फ्रेश स्नोफॉल भी नीचे आ रहा हो, एक साथ फ्रेश स्नोफॉल भी नीचे आ रहा हो और स्लैब्स भी नीचे आ रहे हो हमारे पास, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाउडर स्नो एवलांच। इन शॉर्ट इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लूज स्नो एवलांच एंड स्लैब एवलांच। इसके बारे में आपने ये लिखना है, और इसमें आपने एक और बात मेंशन करनी है कि इसमें बॉटम में, सॉरी, बॉटम में स्लैब होते हैं और अबव क्या होता है हमारे पास, क्लाउड ऑफ पाउडर्ड स्नो। तो ये स्लैब पाउडर स्नो एवलांच कहलाते हैं।
चौथी टाइप क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। चौथी टाइप क्या है, वेट स्नो एवलांच। फोर्थ टाइप है वेट स्नो एवलांच। अच्छा बात सुनिएगा, अब इस पे एक चीज इसके अंदर जोर जरूर नोट की, डेट इज हाई डिग्री ऑफ पाउडर स्नो एवलांच। जो पाउडर स्नो एवलांच है ना उसकी हाई डिग्री है। इसमें भी क्या होता है, स्लैब भी नीचे आते हैं और आपके पास फ्रेश स्नोफॉल भी नीचे आता है, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है, अगेन यहां पे समझते हैं, एक स्लैब है ये जब नीचे आना शुरू होता है तो इसकी ये आपके पास जो लैंड है या रॉक है, रॉक और आइस के बीच में क्या है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है, हीट जनरेट होती है। और उसके बाद जो जमीन पे पाउडर गिरा होता है, इस हीट ये जैसे ही आपके पास स्लैब उसके ऊपर आता है तो ये इस हीट की वजह से पाउडर फौरन ही वाटर में तब्दील हो जाता है, वाटर में तब्दील हो जाता है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर ये वाटर में तब्दील हो गया तो इसकी स्पीड अप स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये जाके नीचे डेंजर होगा, कैटेस्ट्रॉफिक डिजास्टर फैलाएगा। तो वेट स्नो एवलांच क्या है, हाई डिग्री ऑफ पाउडर स्नो एवलांच है, ये डेंजरस सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप, जो जैसे 2020 के पेपर में आया था डेंजरस टाइप कौन सी है, तो डेंजरस टाइप भी आपके पास वेट स्नो एवलांच है। इसके अंदर कुछ चीजें आप नोट कीजिएगा, इस पे लिखिएगा पहले स्टार्ट ट्रेवल स्लोली, ये पहले स्टार्ट करता है ट्रेवल करना बहुत स्लोली ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता है। लेकिन उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट के बाद उसकी वजह से क्या होता है, पाउडर जो होता है, पाउडर स्नो जो होती है टर्न्स इनटू वाटर, वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्पीड अप हो जाता है और सब कुछ डैमेज कर देता है, हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये कुछ चीजें आपके पास वेट स्नो एवलांच किया जाती है। तो आई होप चारों चीजें आपके पास, चारों टाइप्स क्लियर होंगी हमारे पास ये। और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट सबको एक आइडिया होगा कि सियाचिन में 2012 में एक एवलांच आया था जिसकी वजह से 140 अफवाज पाकिस्तान शहीद हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। ये उन्होंने क्या किया था, 2020 के अंदर एक स्टेटमेंट दे दी थी कि एक एवलांच आया था सियाचिन में और उसके बाद ये हो गया था। तो उसके बाद आगे उन्होंने सवाल किया व्हाट इज एवलांच, टाइप्स क्या है एवलांच की, और उसके बाद पूछा था कि सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप कौन सी है। तो यही सवाल हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक और टॉपिक है वाइल्ड फायर्स के बारे में, वाइल्ड फायर्स, वाइल्ड लैंड फायर्स भी कहलाते हैं इनका नाम, फॉरेस्ट फायर भी है, वेजिटेशन फायर भी है, ग्रास फायर भी है, पीट फायर भी है, बुश फायर, जैसे ऑस्ट्रेलिया बुश फायर का नाम लेते हैं, हिल फायर, ये सारे एक ही नाम है वाइल्ड फायर के। और हमें पता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे जो आग लगी थी वाइल्ड फायर, वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को माफ नहीं करते, सारी चीजें कंज्यूम कर जाते हैं, कोई भी रिसोर्सेज हो या स्पीशीज हो या ह्यूमंस हो या कोई भी लाइफ हो, लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, तो सबको क्या करता है, वो कंज्यूम कर देता है। अनकंट्रोल्ड फायर होती है जो कि हमेशा आगे फैलती रहती है, आपने देखा होगा पूरी दुनिया की रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे इसको बुझाने के लिए, दैट कंज्यूम्स एवरीथिंग। कॉजेस क्या है, हमारे पास दोनों कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉजेज और मैनमेड कॉजेज, लेकिन मैनमेड कॉजेज 90% है, नेचुरल कॉजेज हमारे पास सिर्फ 10% है। सबसे पहले लाइटनिंग, लाइटनिंग होता है जैसे बिजली गिरती है ना आपके पास, उसकी वजह से आग लगती है। तो बिजली का गिरना और फॉरेस्ट के अंदर आग लगना जिसकी वजह से ये स्प्रेड आउट होती है और पूरे हर चीज को तबाह बर्बाद कर देती है। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन, हमने वॉल्केनिक इरप्शन देखा था, जैसे लावा आता है बाहर, लावा बहुत ज्यादा हॉट होता है, वो अपने सराउंडिंग की चीजों को जलाता है। अगर इन एनी केस ऐसी जगह पे आता है आगे पूरा फॉरेस्ट हो तो वो क्या है, फॉरेस्ट को आग लगाएगा और ये आग फैलती जाएगी जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी हमारे पास आग लगती है। अगर इसके अंदर एक और चीज लिखना चाहे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, वो भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से भी आग लगती है और उसकी वजह से आग फैलती है। मैनमेड कॉजेस क्या है, बर्निंग डेब्रिस, वो क्या करते हैं, डेब्रिस जलाते हैं जगह जगह पे, हर जगह पे डेब्रिस कचरा जला रहे होते हैं और उसकी वजह से क्या है, अगर ये कचरा तेज हवाओं से इसके कोई शुआ वगैरह आपके पास या कोई शोला उठ के कहीं चला गया और आग बढ़ जाए तो बर्निंग डेब्रिस भी एक कॉज है मैनमेड। सेकेंड है आपके पास अनअटेम्प्टेड कैंप फायर्स, कैंप फायर्स लगाते हैं उनको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, हवाओं की वजह से या किसी जानदार की वजह से ये आग यहां से भी फैल सकती है, ये भी आपके पास मैनमेड कॉज है। थर्ड है इक्विपमेंट फेलियर, इक्विपमेंट फेलियर हमारे पास अगर गाड़ी, एक एग्जाम्पल देता हूं,
गाड़ी चला रहे हो आप किसी जंगल के बीच में से, ठीक है, और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी हीटअप हो रही है। हम लोग बोलते हैं ना यार यहां से तो निकलो बाद में देखते हैं, और यहां से निकलने के चक्करों में क्या होता है आपके पास यहाँ पे आग लग जाती है गाड़ी पे, गाड़ी पे आग लग गई और वो आग पे पेट्रोल पे फिर आग लगती है और वो आग बिल्कुल फैल रही होती है, इक्विपमेंट फेलियर। इसके अलावा ई सिगरेट्स का हमने देखा है, या फिर आपके पास कुछ मोबाइल फोन्स, वो भी मोबाइल फोन्स भी आपके पास ब्लास्ट हो रहे हैं, उनकी ऐसी भी आग लग रही है, तो ये सारे इक्विपमेंट फेलियर्स की ऐसे आग लग रही होती है। चौथी चीज होती है सिगरेट्स। सिगरेट्स एक ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रोवर्सी, एक रिपोर्ट भी आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगती है वो सिगरेट्स की ऐसे लगी थी, लेकिन स्टिल एक कॉन्ट्रोवर्सी है, रिसर्च पेपर है, थॉट है। तो क्या सिगरेट्स की आसे, सिगरेट्स को भी जो बुझाते नहीं है इस तरह किसी ड्राई जगह पे फेंक देते हैं तो सिगरेट्स की आसे भी आग लगती है और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स क्या है हमारे पास, आतिशबाजी फायरवर्क्स ना, आपके पास जो हमारे पास जैसे पाकिस्तान में शादियों में किसी फंक्शन में किसी जगह पे आतिशबाजी बहुत ज्यादा होती है। तो फायरवर्क्स क्लास में हमेशा एक बात कहता था मैं कि हमारे पास क्या होता है फायरवर्क्स सीधे जाते ही नहीं है, हमारे पास घूम फिर के वापस नीचे ही आते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है फायरवर्क्स की वजह से भी आग लग सकती है। आर्सन, आर्सन बेसिकली इज अ क्राइम, किसी का नुकसान करने के लिए अगर आप डेलिब्रेटली जानबूझ के उसकी चीज किसी रिसोर्स को जला रहे हो, उसके घर को जलाना, उसकी गाड़ी को जलाना या किसी के सीएसएस के नोट जलाना, मजाक है। तो सीएसएस कुछ ये क्या है डेलिब्रेटली किसी का नुकसान करने के लिए आप आग लगाते हैं तो वो भी आपके आर्सन कहलाता है, क्राइम। तो ये सारे कॉजेस हैं। अब आपके क्या है प्रिवेंशन की बात होती है। अच्छा प्रिवेंशन क्या, आपने प्रिवेंशन पे क्या लिखना होता है, प्रिवेंशन पे आप ऑब्वियसली प्रिवेंशन आप इसकी तो नहीं कर सकते नेचुरल, लेकिन मैन मेड कॉजेस की प्रिवेंशन कर सकते हैं। बर्निंग डेब्रिस का मतलब है देयर शुड बी द प्रॉपर प्लेस जहां पे डेब्रिस बर्न किया जाता हो, या फिर अवेयरनेस फैलाई जाए कि डेब्रिस ऐसे हर जगह बर्न ना किया जाए, या अनअटेम्प्टेड कैंप फायर्स, किसका मतलब है आपके पास कैंप फायर्स को अनअटेम्प्टेड ना छोड़े, और यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर साथ रखें जो अगर कोई कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल भी हो तो आप इसको वापस संभाल सकें, या फिर इक्विपमेंट फेलियर में भी आप फायर एक्सटिंग्विशर्स का लिख सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि मेंटेनेंस करवानी चाहिए, या फिर कुछ आपके पास पानी की बॉटलें, वाटर बॉटल्स या कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर सकें। सिगरेट्स का मतलब है कि आपके पास इसको प्रॉपर बुझाना चाहिए आपके पास, या फिर वैसी सिगरेट्स नॉन स्मोकिंग कंपनीज चल रही होती हैं, कंपनीज चलाए आपके कितना नुकसान है। फायरवर्क्स में क्या है स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन हो जिसपे ये क्राइम कंसिडर किया जाए, जिसकी पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और लोग फायरवर्क्स से रुक जाएं। आर्सन है इसके अगेन इस पे क्राइम है तो इस पे पनिशमेंट या फिर पेनल्टी बहुत स्ट्रांग हो कि कोई किसी का नुकसान करने का सोचे ही ना। और कॉस्ट और बेनिफिट में क्या है कॉस्ट इस चीज की बहुत ज्यादा हो कि उसके इतना नुकसान हो अगला बंदा ये करने से पहले हजार बार सोचे। ओके अनदर टॉपिक ड्राउट्स। ड्राउट्स क्या होता है जब बहुत अरसे तक किसी एक जगह पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, ठीक है, या शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल हो, जिसकी वजह से क्या है उस पे एक एनवायरमेंटल बड़े मसला स्टार्ट हो जाए, आपके पास वहां पे फूड शॉर्टेजेस हो, को एक हर तरह के डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राउट्स। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, आपको पता है पानी हर चीज के लिए जरूरत है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंसान हो, कोई रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग हो, हर जगह पे आपको पानी की जरूरत होती है। जहां पे पानी नहीं होता तो वहां पे ऑब्वियसली बहुत बड़े मसले स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल इज नोन एज ड्राउट। कंडीशन ऑफ नो रेन एक और आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है। ये महीनों तक भी रह सकता है और सालों तक भी रह सकता है। अच्छा ड्राउट अनाउंस कब होता है, जब एक आपके पास वहां पे रियलाइज किया जाता है शॉर्टेज ऑफ पावर है और सॉरी शॉर्टेज ऑफ आपके पास वाटर है, तो वहां पे एक ड्राउट अनाउंस होता है। इस कंडीशन को अगर 15 दिन गुजर जाए ऐसी कंडीशन को, तो आपके पास वहां की अथॉरिटीज क्या करती है अनाउंस कर देती है कि इस एरिया में ड्राउट चलता है। अगेन सबसे बड़ी एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हमारे पास थरपारकर सिंध, ठीक है, वहां पे आपके पास ड्राउट बहुत ज्यादा होता है। इसका इम्पैक्ट क्या इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम पे होता है, एग्रीकल्चर पे है, इकोनॉमी, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है ड्राउट्स का। कॉजेस क्या है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी ऑब्वियसली, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, जो पानी होता भी है उसकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं करना, या फिर किसी और जगह से पानी की पाइपलाइन वगैरह लाना, प्रॉपर प्लानिंग की वजह से आप लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग की वजह से भी आपके पास ड्राउट्स है। इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करना या इसके बारे में कोई एक्टिविटीज ना करना, कोई एक्शन ना लेना, तो वो भी आपके पास इसी का कॉज है। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्ट्रेशन,
ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर। डिफॉरेस्टेशन होते तो आपके पास सॉइल पानी को संभाल नहीं पाती, रोक नहीं पाती वहां पे। तो इस ये चारों मेन कॉजेज हैं ड्राउट्स के। फाइटिंग ड्राउट्स, इसको खत्म कैसे करें, सबसे पहले हमारे पास है एजुकेशन। आप एजुकेशन और अवेयरनेस दो कि अगर पानी आ भी रहा है आपके पास तो उसको किस तरह यूज करना है, फ्रेश वाटर या फिर आपके उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, यूजेज की आप बताएं, पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में आप उसको अवेयर करें। ये सारी हमारे पास चीजें अवेयरनेस और एजुकेशन से आएगी। सेकेंड है प्रिजर्व रेन वाटर। अगर पानी रेन वाटर आते को क्या है, स्मॉल रेजरवॉयर्स बना दें अपने पास, जिनको आप वक्त वक्त से बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, स्मॉल रेजरवॉयर्स बनाएं जहां पे स्टोर करें पानी को, स्टोर करें, प्रिजर्व करें पानी को। फॉरेस्टेशन बढ़ाएं, ठीक है, डू नॉट मिस यूज स्टोर्ड वाटर। आप मिस यूज ना करें स्टोर्ड, ऐसा नहीं आप मीठे पानी से गाड़ियां धो रहे हैं और ये सारी चीजें। तो फाइटिंग ड्राउट, इसी तरह आप फाइट कर सकते हैं ड्राउट को। एक और टॉपिक है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इन शॉर्ट पहले इसको देखने से पहले देखें, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग कोपअप कर सके, मतलब कम कर सकते हैं कुछ डिजास्टर ऐसे जिनको रोका जा सकता है, कुछ ऐसे डिजास्टर जिनको रोका नहीं जा सकता लेकिन उनके इफेक्ट्स को, एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। तो वो हमारे पास डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हमें ये बात बताती है। सिस्टमैटिक प्रोसेस टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, ठीक है, हम लोग ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाएं जिससे स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें जो कि क्या करें, हेल्प टू इंप्रूव कोपिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, टू अवॉइड अगेन कुछ डिजास्टर अवॉइड किया जा सकता है और किसी का इंपैक्ट लेसन किया जाता है, एडवर्स इंपैक्ट्स। हमारे पास ये पूरी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की साइकिल है और वो फोर फेजेस में है। फेजेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला फेज है हमारा मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या है, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हैजर्ड्स। हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कि हैजर्ड्स कम से कम हो या उनके इंपैक्ट्स कम से कम हो। उसके लिए हम लोग पहले से ही कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल मेजर्स, इसका मतलब आप स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ला रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग हार्ड इंजीनियरिंग पीछे फ्लड के बारे में पढ़ गया ना, स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंजेस ला रहे हो या फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई नए ऐसे स्ट्रक्चर लगा रहे हो, तो ये सारे स्ट्रक्चरल मेजर्स में आते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है, कोई आप लेजिस्लेशन बना दो ऐसी, आप ऐसे कानून बना दो, कोई लैंड यूज प्लानिंग के बारे में बता दो, ये सारे क्या है मिटिगेशन। अभी आप क्या कर रहे हो, एक एडवांस में कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस क्या है, आपके पास डेवलपमेंट ऑफ रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। अभी डिजास्टर आया नहीं है लेकिन आप पहले से क्या करो, डेवलप करो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कि अगर डिजास्टर आ गया तो हमने रिस्पॉन्स किस तरह करना है, ठीक है। और सेकेंडली इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ प्लानिंग। आप इस पर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, लोगों को ट्रेन करते हैं, वॉलंटियर्स को ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इन चीजों को, ड्रिलिंग करते हैं बेसिकली। ड्रिल का मतलब होता है इस चीज को प्रैक्टिस करना। इवेल्युएट करते हो आपकी कोपिंग कैपेबिलिटीज कैसी है, इंप्रूवमेंट करते रहते हो। एट द सेम टाइम जो आपकी रिसोर्सेज होती है ना, उनको आप मेंटेन भी करते हो, और जैसे कि आप फायर एक्सटिंग्विशर्स उनको मेंटेन करते हो, या फिर वॉलंटियर्स या फिर आपके पास ट्रेनर्स हैं उनकी रिकरेंट ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस। अब क्या है रेस्पॉन्स, अब आ गया डिजास्टर। रेस्पॉन्स में क्या है, आप वो एफर्ट्स करते हो जिससे हैजर्ड्स मिनिमाइज हो सके, ठीक है, उनके जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो सके। अब जैसे कि हमारे पास आता है ना कोई डिजास्टर आ जाता है तो इमरजेंसी सर्विसेज अपना, कोई आग बुझाने की चीजें हैं, एम्बुलेंस आ जाती हैं, और हर कोई अपनी अपनी ड्यूटीज को, ऐसा होता है जो खाना प्रोवाइड कर रहा होता है, इमरजेंसी सर्विसेज और फर्स्ट एड सर्विसेज। आखिरी हमारे पास साइकिल में रिकवरी। रिकवरी में क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न करते हैं कम्युनिटी को नॉर्मल पोजिशन में। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बिल्ट बैक बेटर वाला, कि हम लोग कम्युनिटी को नॉर्मल सिर्फ नहीं करते लेकिन बेहतरीन तरीके से नॉर्मल करते हैं कि अब इन्हीं वजह से वापस इनको नुकसान ना हो। दीज आर द फोर साइकिल्स, ठीक है। हमने बोला मिटिगेशन नंबर वन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स और रिकवरी। अब एक बात नोट कीजिएगा, ये दो जो फेजेस थे ये हमारे पास डिजास्टर से पहले कर रहे थे ना, अभी डिजास्टर नहीं आया लेकिन पहले से हम लोग करते हैं, इसीलिए इन दो फेजेस को हम लोग बोलते हैं प्री डिजास्टर फेजेस, ठीक है। और बाकी क्या है हमारे पास, रिस्पॉन्स और रिकवरी तब कर रहे थे जब डिजास्टर आ चुका था, इसको इसलिए बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर फेजेस। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ, और इंशाल्लाह बताइए कि आपको पॉइंट्स क्लियर हैं, और अगर कोई पॉइंट समझ ना भी आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या मैसेज या ईमेल किसी भी तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।